दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर करार दिया गया। दुनिया भर के लोग इमरान की एक झलक देखने के लिए बेताब रहते थे। 1992 का वर्ल्ड कप इनके करियर का नुक्ता उरूज था, जब उन्होंने निस्बतन एक कमजोर टीम की कयादत करते हुए वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल भी जीत लिए। बतौर क्रिकेटर उनका लोहा दुनिया मानती थी, दोस्त और दुश्मन सब उनकी कायदाना सलाहियतों के मोहतरफ थे। क्रिकेट का यह हीरो जब अपने करियर के नुक्ता उरूज पर था तो उसने दुनिया को एक दूसरे जाविये से देखना शुरू किया। पैदर पे कामयाबियों ने लाहौर के इस शर्मीले नौजवान का फलसफा हयात बदल कर रख दिया और वो अपनी जात के खौल से बाहर निकल आया। कैंसर के हाथों मां की मौत ने उसके अंदर इंसान की असली और अब्दी बेबसी का एहसास बेदार कर दिया। उसने खुदा की अता करता नेमतों का शुक्र अदा करने का सोचा और इन नेमतों में खुदा की मखलूक को हिस्सादार बनाने का फैसला कर लिया। धुन के पक्के और मुश्किल पसंद इमरान खान ने एक ऐसे काम का बेड़ा उठाया जिसे सबने एक नामुमकिन मिशन करार दिया। इमरान खान ने पाकिस्तान में दुनिया का पहला कैंसर हॉस्पिटल कायम करने का फैसला किया। ये फैसला कर लेने के बाद इमरान खान ने अपना तन मन धन और वक्त इस मिशन की तकमील के लिए वक्फ कर दिया और फिर दुनिया ने देखा कि ना सिर्फ ये अजीम शान प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ बल्कि कामयाबी से चलने भी लगा। ये हॉस्पिटल आज भी चल रहा है और लाखों बेवसीला और गरीब लोग इमरान खान के इस ख्वाब की ताबीर से फायदा उठा रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल की ताबीर मुकम्मल होने पर हुक्मरान इशराफिया तबके के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई। वो समझ गए थे कि अगर ये शख्स अपने बुलंद इरादों और खुलूस समेत मैदान सियासत में आ गया तो फिर इन सब का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। सियासत में इसकी आमद को रोकने के लिए उन्होंने इसके खिलाफ साजिशों का आगाज कर दिया। उनके खिलाफ किरदार खुशी की मुहिम चलाई गई, बेबुनियाद स्कैंडल्स बनाए गए, मगर इमरान खान इस मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला कर चुका था। वो मफाद परस्तों और बदउनवानों की विकेट उड़ाने का फैसला कर चुका था। उसने गेंद थाम ली थी और स्टार्ट ले लिया था और तहरीक इंसाफ के नाम से अपनी सियासी जमात का आगाज कर दिया। यूं तो इमरान खान मोहम्मद अली जिन्ना की तरह मगरबी इदारों से तालीम याफ्ता थे। उसका उठना बैठना बरतानिया के तबका इशराफिया में था। मोहम्मद अली जिन्ना की तरह मगरबी तर्ज जिंदगी उसके लिए अजनबी न थी, मगर जब उसने सियासत में आने का फैसला किया तो ठीक इस तरह मगरबी तर्ज जिंदगी और पहनावे को खैर आबाद कह दिया। अब वो एक मुख्तलिफ इमरान खान था जिसे अपनी मजहबी और सकाफती इकदार से मोहब्बत थी और उन पर फख्र था। तमाम मशरकी लड़कियों की तरह इमरान खान की बहनों को भी भाई के सर पर सेहरा देखने की आरजू थी। वो अपने अखड़ भाई के पैरों में रिश्ता अज़दवाज की जंजीर बांधना चाहती थी। बाप और बहनों के ख्वाब को पूरा करने के लिए बिलाकर इमरान खान ने शादी कर ली, लेकिन जब उसने देखा कि यह शादी उसके मिशन की राह में रुकावट बन रही है तो उसने बड़ी खामोशी से ये रिश्ता तोड़ दिया और एक बार फिर अपने मिशन की तकमील में मसरूफ हो गया। जब परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी का निफाज किया और चीफ जस्टिस को मासूल कर दिया तो इंसाफ के अलमबरदार तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मसरूफियात और बढ़ गई। वो दिन रात मासूल चीफ जस्टिस की बहाली के लिए चलाई गई तहरीक का हिस्सा बन गए। वो जलसे और जुलूसों की खुद कयादत करते और दूसरी तरफ मीडिया में टीवी टॉक शोज और मुजाकरों में अपने जोर खिताबत के जौहर दिखाते। इकोनॉमिक क्राइसिस इन आवर हिस्ट्री, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, द रुपी हैज गॉन फ्रॉम 61 रुपीस टू अ डॉलर। टेरर, व्हाई इज दैट? वेल, यू नो, टेरर इज एन आइडिया। यू डोंट फाइट एन आइडिया विद अ कन्वेंशनल आर्मी। To win a war on terror, you have to win the hearts and minds of people. Pakistan ka matlab kya? Bada kamzor jawab diya hai. Phir se, Pakistan ka matlab kya? Pakistan ka matlab kya? Aur la ilaha ka matlab kya? Ke siway Allah ke हम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे, यानी कि इंसान की आजादी का नारा था कि जब अब अल्लाह की इबादत करते हैं तो आप किसी के सामने सर नहीं झुका ले, यानी कि आजाद हो जाते हैं। और आजादी के लिए इंसानों को जमहूरियत चाहिए। कुछ
उनके लहजे की सच्चाई, उनके इस्तदलाल और बुराई से उनकी नफरत ने अवाम और सहाफियों को उनका गर्वीदा बना दिया। मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा था। मोहसिन पाकिस्तान एतमी ताकत के खालिक डॉक्टर कदीर खान जेरे हिरासत थे। अदलिया को मासूल कर दिया गया था, मीडिया पर पाबंदियां आयद थी। पूरा मुल्क खुदकुश हमलों और धमाकों की आग में जल रहा था। मारूफ सियासतदान डिक्टेटर से हाथ मिला रहे थे। ऐसे में इमरान खान वाहिद सियासतदान थे जो इंसाफ का अलम उठाए नारा हक बुलंद कर रहे थे।